सपोज इस बॉडी के इनसाइड कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, सेंटर हुआ ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बाहर की तरफ निकलेंगी, इसके सरफेस एरिया में से कट करती हुई बाहर निकल रही हैं, क्रॉस करती हुई बाहर निकलेंगी, तो इसका कुछ तो फ्लक्स होगा, कोई तो लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी इन्हें, तो जो फ्लक्स होगा उसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। जो होगा क्या, वो गॉस थ्योरम बता रही है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है, इस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है क्यू, तो आंसर क्या आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बात करता हूं इतना फ्लक्स होगा, लेकिन उस फ्लक्स को बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स क्योंकि लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं। लेकिन अगर चार्ज यहां पर नेगेटिव हो तो इन्फिनिटी से लाइंस एंटर करेंगी, कट करती हुई सरफेस एरिया को एंटर करेंगी, तो कुछ तो फ्लक्स होगा, कुछ तो फ्लक्स होगा, तो ऐसे केस में कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा, लेकिन उस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज अगर है इट विल प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है यहां तक। अब सपोज करो चार्ज एक नहीं है, चार्ज दो है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा लाइंस कट करती हुई बाहर जाएगी, अगर ज्यादा लाइन जाएगी तो यहां पर इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, 2 epsilon naught by 2 q by epsilon naught, लेकिन ये भी आउटवर्ड फ्लक्स होगा, मोर आउटवर्ड फ्लक्स बोल सकते हो, ज्यादा आउटवर्ड फ्लक्स है क्योंकि ज्यादा चार्ज है, ज्यादा लाइंस कट करती हुई जा रही हैं। अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा लाइंस एंटर करती हुई आ रही हैं, तो ये इनवर्ड फ्लक्स है, मोर इनवर्ड फ्लक्स है। लेकिन अगर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव चार्ज जितनी लाइंस बाहर कट करता हुआ बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव चार्ज उतना ही लाइंस कट करता हुआ एंटर करवा रहा है, तो जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना इनवर्ड फ्लक्स है, नेट फ्लक्स इसमें क्या आएगा, जीरो। तो अगर लाइंस जो है बाहर निकल रही है, एक लाइन बाहर निकल रही है और एक लाइन एंटर कर रही है, तो फ्लक्स काउंट नहीं होगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, तो जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना इनवर्ड फ्लक्स है। हाँ, ऐसा तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है फिर बड़े के हिसाब से आंसर आएगा, ये भी क्लियर है। अब सपोज करो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, या पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बोलो इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों, गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसका फ्लक्स होगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पर क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर सपोज करो यहां पर एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस बॉडी का कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बोलो लाइंस प्लस से बाहर निकलती हुई जाएंगी, इस बॉडी के अंदर भी जाएंगी, तो इसका फ्लक्स होगा या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव दीवार है कि नेगेटिव दीवार है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रूम के इधर जा रही हैं, ये एक बॉडी ले आया मैं, लाइंस एंटर करती हुई इसमें एंटर कर रही हैं और फिर बाहर निकल रही हैं, तो इसका फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक लाइन पकड़ो, एंटर कर गई और वो लाइन पक्का बाहर निकलेगी, तो एंटर करके बाहर निकल गई उसका फ्लक्स जीरो। चलो 10 लाइंस क्रॉस कर गई, अंदर थोड़ा बैठ गई, बाहर भी तो आ रही है इमेजिनरी, तो नेट फ्लक्स जीरो। गॉस कहता है इतना मुश्किल को समझा रहे हो, मेरे को बुला लो, आप ये बताओ इस रूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे को भरा पड़ा है, बुरा हाल है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, वो कहता है किसका फ्लक्स निकालना है, मैंने कहा इसका निकालना है, वो कहते हैं इसके अंदर कितना चार्ज है, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, वो तो दीवारों पे है, तो कहते हैं इसका फ्लक्स जीरो है, कुछ करने की जरूरत क्या है, क्योंकि गॉस क्या कहते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कहाँ होना चाहिए इस बॉडी के इनसाइड, इनसाइड तो चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स कहाँ से निकालोगे, बाहर कितना भी फील्ड जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बाहर का फील्ड इसके अंदर एंटर करेगा वो बाहर भी निकलेगा, इसलिए नेट फ्लक्स इसका जीरो। तो समझ में आ रहा है, लाइंस प्रोड्यूस तो हो रही हैं पर इसके अंदर अपना चार्ज तो कुछ है ही नहीं,
तो जो लाइन एंटर करेंगी वो बाहर भी खिसक रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो, बातें खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा आपको आने वाले टाइम में, जिसमें आपको फ्लक्स कैलकुलेशन की ऐसे कई ऑब्जेक्टिव के केस दूंगा, उसमें नेक्स्ट टाइम आएगी, उसमें करके दिखाना है। पर अभी तक का आइडिया क्लियर है, बहुत सिचुएशंस हैं, वो शीट आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, कब फ्लक्स लेना है, कब नहीं लेना, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, सब आ जाएगा उसमें। बट यहाँ तक ये एग्जाम्पल्स क्लियर हैं।